हाल आप सबका, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, एक दिन से भी कम का टाइम बचा है सालार के टीजर की रिलीज को लेकर। मतलब कल इसी टाइम हम सालार के टीजर के रिव्यूज की बात कर रहे होंगे, रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, रिकॉर्ड की बात कर रहे होंगे, टीजर के व्यूज की बात कर रहे होंगे। और गाइस देखिए, अभी जो हो रहा है ना, ऐसा सीन आज से पहले गाइस मैंने नहीं देखा और लिटरली आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं सालार के टीजर की प्रमोशन। मतलब कि गाइस, मूवी की प्रमोशन तो आपने सुनी होगी जो मेकर्स की तरफ से की जाती है। मैं बात कर रहा हूं टीजर की प्रमोशन, और मेकर्स की तरफ से नहीं, फैंस की तरफ से। भाई साहब, सालार के यानी के प्रभास के जो फैंस हैं भाई साहब, वो इतने एक्टिव होए पड़े हैं कि ऐसा क्रेज उन्होंने आदि पुरुष के टाइम भी नहीं दिखाया था। मतलब कि आदि पुरुष के टाइम भी प्रभास के भी बहुत से फैंस सोए पड़े थे, जागे ही नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इस बंदे की। मतलब मैं आपको बताता चलूं, कुछ फैंस, हर जितने भी प्रभास के फैंस हैं, बड़े बड़े जो टॉप ऑफ द लेवल पे बैठे हुए हैं, जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, छोटे तो छोड़ ही दें, जो ऊपर टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटीज लगी हुई है। ड्यूटीज किस चीज की? एक ने पोस्ट करनी है, मतलब के सालार को लेकर कुछ भी उसने पोस्ट करनी है, कुछ ना कुछ ऑडियंस को बताना है कि सालार का टीजर इस टाइम आने वाला है। कुछ ने गाइस, कुछ की ड्यूटी ये लगी हुई है कि उन्होंने सालार के न्यू से न्यू पोस्टर बनाने हैं और उनको अपलोड करना है। कुछ की ड्यूटीज लगी हुई हैं कि उन्होंने मतलब के एक ही अकाउंट पे बहुत सारे न्यू यूट्यूब अकाउंट बना ले हैं, और जैसे ही टीजर आएगा तो सारे अकाउंट से देखना है। मतलब के फैंस टोटली के टोटली रेडी पड़े हैं सालार के टीजर को ब्लॉकबस्टर। मैं कहता हूं ऐसा ब्लॉकबस्टर बनाने वाले हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब एक मूवी को, वही बात आ गई कि एक टीजर को, मूवी को, ट्रेलर को रिलीज होने से पहले जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो मिल चुकी हैं। अब अगर तो प्रशांत नील ने सचमुच कुछ ऐसा बनाया है जो कि अनइमेजिनेबल है। मतलब कि एक दफा देख के अगर हम लोग हिल गए, गूज बम्स आए, हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी पीछे छोड़ा टीजर ने, नेक्स्ट लेवल का टीजर निकला, तो भाई मैं आपको बता दूं केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर के जितने भी व्यूज हैं, 268 या 270 मिलियन, भाई वो उनका रिकॉर्ड खतरे में है, नो डाउट अबाउट इट। मुझे लास्ट कोई एक भाई का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, वो भाई मुझे कह रहे थे कि भाई जब केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर आया था तब लॉकडाउन चल रहा था, सब लोग घर में बैठे थे तो दबा के सब लोगों ने टीजर देखा। अब गाइस लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर के टाइम वैसा रेस्पॉन्स नहीं था जो गाइस अभी सालार के टीजर के टाइम है। मतलब अगर आप ऐसे कोई ट्विटर यूज करता है तो जस्ट सालार के टीजर का जो हैशटैग चल रहा है वो देखिएगा कितना, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने किया हुआ है, प्रभास का अलग, प्रशांत नील का अलग, और लाखों में हैशटैग्स चल रहे हैं। तो मतलब एक बात तो डन है कि तबाही बहुत बड़ी होने वाली है। बस मेकर्स पे अब सब कुछ है कि मेकर्स ने कुछ ऐसा बनाया हो जिसको देख के लगे कि भाई वाह, मजा आ गया। अच्छा गाइस, इसके साथ एक और न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसने मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज करके रखा है, वो है सालार की कास्ट। अगर आप अभी सालार की कास्ट चेक करते हो गूगल के ऊपर, तो उसके अंदर आपको विजय सेतुपति भी देखने को मिलते हैं। अब विजय सेतुपति मूवी के अंदर है नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ना ही मुझे कोई अपडेट मिली है, और जब शूटिंग चल रही थी ना ही मुझे कोई ऐसी तब अपडेट मिली थी जिसके अंदर यह कहा गया हो कि विजय सेतुपति ने सेट ज्वाइन किया, सालार का शूटिंग किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये अभी कैसे आया कास्ट में, कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि ये जो गूगल के ऊपर कास्ट आती है किसी भी मूवी को लेकर, ये चेंज होती रहती है, तो हम 1 वीक 2 वीक 3 वीक वेट कर लेते हैं, अगर स्टिल ये रहता है विजय सेतुपति सालार की कास्ट में आते हैं, फिर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता, मुझे ये फेक लग रहा है। तो खैर दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि सालार के टीजर का बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं, नीचे बताइएगा। होप सबको वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, रख दिया वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।